नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सीट मेटल में नोचेज एंड इट्स टाइप्स की। नोचेज क्या होते हैं पहले जानते हैं नोचेज के बारे में। नोचेज आर द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर जॉइनिंग द एजेस। दो एजेस को जोड़ने के लिए जो दो स्पेस दिया जाता है उसको नोचेज बोलते हैं। व्हेन सीट मेटल आर कट फ्रॉम द लेआउट, यदि सीट मेटल जो है वो लेआउट के हिसाब से काटा गया है। अब आपको बीच में दिखा रखा है नोच जो वी साइड शेप में बनी हुई है, इस तरह के इसको नोच बोलते हैं, ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी होती है। आपने देखा होगा जब हम किताब पर कवर चढ़ाते हैं तो उसको भी हम साइड से फोल्ड करके चढ़ाते हैं, या एक और लास्ट में जहाँ से शुरुआत होती है पेपर की उसके कपड़े के साथ वहाँ उसको काट लेते हैं थोड़ा सा। पर्पज ऑफ नोचेज क्या होता है दोस्तों, नोचेज हेल्प टू प्रिवेंट सरप्लस मटेरियल फ्रॉम ओवरलैपिंग एंड कॉजिंग ए बल्ग एट द सीम एंड एजेस। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो ओवरलैपिंग कर रहा है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको कवर कर लेता है। टू अलाउ द वर्क टू बी फॉर्म्ड टू द रिक्वायर्ड साइज एंड शेप, और रिक्वायर्ड शेप साइज में हमको जो है वो ऑब्जेक्ट फिर मिल जाती है। टू अलाउ द वर्क टू असेंबल बेटर, और वर्क को अच्छे तरीके से असेंबल करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ नोचेज की बात करते हैं, नोचेज किस किस प्रकार के होती हैं। तो नंबर एक स्ट्रेट नोच और स्लिट। स्ट्रेट नोच स्लिट क्या होती है, स्ट्रेट कट्स मेड फ्रॉम द एज ऑफ द सीट टू ए डिस्टेंस वेयर इट इज टू बी बेंट इन नोन एज ए स्ट्रेट नोच। इसको एक स्ट्रेट तरीके से स्ट्रेट डिस्टेंस पर इसके जो हम सीट को काटते हैं और उसको जो फिर तैयार कर देते हैं, बेंट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, जैसे आपने दिखा रखा है बराबर में फिगर जो है बना हुआ आपने देखा होगा। ये लड्डू वगैरह के जो डब्बे आते हैं समोसे वगैरह पैक करने के लिए, तो वो डब्बे भी जो है कटे हुए होते हैं ऑलरेडी, और उनको बाद में जो है उनके ऊपर वापस में फोल्ड कर देते हैं दूसरे के साथ। स्क्वेयर नॉच, स्क्वेयर नॉच इज यूज वैन फॉर्मिंग ए स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर बॉक्स। जहाँ पर रेक्टेंगुलर या स्क्वेयर बॉक्स बनते हैं तो उस कंडीशन में हम स्क्वेयर नॉच का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होती है स्लेंट नॉच। स्लेंट नॉच क्या होती है, दिस नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये दोस्तों 450 नहीं है, ये 45 डिग्री है, उसको 45 डिग्री पर काटते हैं। टू द कॉर्नर ऑफ द सीट, सीट के कॉर्नर के हिसाब से। इट इज यूज्ड व्हेन ए सिंगल हेम मीट्स एट राइट एंगल्स, जहां पर दो एक सिंगल हेम जो है राइट एंगल पर मिलती है वहां पर इसको तैयार करते हैं। जैसे फिगर में दिखा रखा नॉच कट आफ्टर मार्किंग और नीचे आपका बेंड टू शेप यूजिंग स्लंट नोच। उसके बाद होता है दोस्तों वी नोच। इन दिस नोच बोथ द साइड्स आर कट एट ए 45 डिग्री एंगल, इसमें दोनों साइड्स 45 डिग्री एंगल पर कटी होती हैं। टू द एजेस ऑफ द सीट, सीट के एजेस के अनुसार द साइड्स ऑफ द नोच मीट एट 90 डिग्री, और जो दोनों साइड्स जो है 90 डिग्री पर जाकर के मिलती हैं। दिस नोच इज यूज वेन मेकिंग ए जॉब विद ए 90 डिग्री बेंड एंड ए इनसाइड फ्लेंज, जब हमको इनसाइड फ्लेंज बनानी हो और 90 डिग्री बैंड के अंदर, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। दिखा रखा फिगर में कि किस तरीके से हमने सीट को फोल्ड किया और किस तरीके से ऑब्जेक्ट को शेप दे दी। नेक्स्ट होती है वायर नोच। वायर नोच क्या होते हैं दोस्तों, द एंगल ऑफ दिस नोच इज यूजुअली 30 डिग्री, इसका जो एंगल होता है 30 डिग्री होता है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम विच द नोच इज स्टार्टेड इज 3.5 times द डायमीटर ऑफ द वायर। जो वायर का जो डायमीटर होता है उसके 3.5 times जो है उससे ज्यादा ले लेते हैं इसको। ये फिगर में दिखा रखा वायर नोच मार्क्ड कट, नीचे डाया ऑफ द वायर और ऊपर 30 डिग्री एंगल के साथ जो है 3 by 3.5 D के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं। नेक्स्ट इनके यूजेस क्या होते हैं दोस्तों, द वायर नोच इज यूज्ड ऑन ए वर्क विच हैज वायर्ड एजेस, जिनकी वायर्ड एजेस होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। दिस नोच इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द वायर्ड एजेस फ्रॉम ओवरलैपिंग एट द सीम्स, ताकि जो वायर्ड एजेस हैं वो सीम पर ओवरलैप ना करें, तो इसलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। फिगर के अंदर आपको दिखा रखा है। अब बेसिक सीट मेटल प्रोसेसेस या डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। इसके अंदर सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं। द पैटर्न इज ए पीस ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का बना होता है पैटर्न, हमने आपको पहले समझाया था आपको दोस्तों। विच इज कट टू द एग्जैक्ट साइज एंड शेप, ये शेप एंड साइज में एग्जैक्ट कटा होता है। टू फॉर्म द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, ताकि इसके अनुसार हम ऑब्जेक्ट बना सकें। इट इज नथिंग बट ए फ्लैट आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, एक जो है सीधी लाइन है एक ऑब्जेक्ट के लिए। टू बी फॉर्म्ड टू इट्स फाइनल शेप, इसके फाइनल शेप तक पहुंचने के लिए। द पैटर्न में भी ड्रॉन ऑन ए पेपर फर्स्ट, इसको हम पेपर पर बना सकते हैं। देन ट्रांसफर्ड टू द सीट मेटल, और फिर इसको सीट मेटल पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस मेक्स पॉसिबल
द करेक्शंस इफ एनी, इससे में अगर कोई करेक्शन होगी तो हम आसानी से कर सकते हैं। सेविंग वैल्यूएबल मटेरियल, मटेरियल को बचा सकते हैं। प्रॉपर पैटर्न्स आर नॉट, सॉरी पेपर पैटर्न्स आर नॉट सूटेबल फॉर रिपीटेड यूज। अब पेपर जो पैटर्न होते हैं उनको रिपीटेड यूज में नहीं कर सकते क्योंकि पेपर गल जाता, कट जाता, खराब हो जाता। हाउएवर एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड सीट मेटल वर्कर डू पैटर्न लेआउट्स डायरेक्टली ऑन द सीट मेटल। और जो स्किल्ड जो होते हैं इसमें सीट मेटल में, सीट मेटल वर्कर में, वो कोई अलग से पेपर पे या उस पर वो लेआउट नहीं बनाते, वो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट को जो है जो लेआउट है उसको सीट को तैयार कर लेते हैं पैटर्न को उसी पे। नेक्स्ट लेआउट, इट इज द मेथड ऑफ डेवलपिंग द लाइन्स एंड कर्व्स। ये लाइन्स और कर्व्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच फॉर्म द पैटर्न, जिससे पैटर्न बनता है। पैटर्न लेआउट इज डन बाई एम्प्लॉइंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जो अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के जरिए हम इसको जो है रचनाओं के जरिए इसको तैयार करते हैं। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस आर टॉट इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ट्राइंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल कैसे बनता है, एक्सल कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, इलिप्स कैसे बनता है, तो वहाँ पर ही आपने पहले ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट का मतलब द टर्म स्ट्रेच आउट रेफर्स टू द साइज ऑफ फ्लैट पीस ऑफ मेटल बिफोर इट इज फॉर्म्ड इनटू शेप। मतलब शेप में ढालने से पहले जो रॉ मटेरियल जो सीट होती है हमारी उसका साइज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच आउट। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेच आउट ऑफ ए राउंड पाइप इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द पाइप। यदि राउंड पाइप के स्ट्रेच आउट की बात करें तो जो उसकी सर्कमफेरेंस होगी पाइप की वही उसका क्या होगा, स्ट्रेच आउट कहलाएगा। ये ऊपर स्ट्रेच आउट दिखा रखा है बना करके, नीचे इसका क्या दिख रखा है आपको दोस्तों, ये सर्कमफेरेंस। अलाउंसेस ऑफ एजेस, अलाउंसेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलाउंसेस का मतलब होता है कि सीट कितनी बड़ी काटनी है ताकि कम छोटी ना रह जाए, एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। अलाउंसेस फॉर एजेस एंड सीमिंग कंसिडर्ड इन पैटर्न लेआउट डेवलपमेंट। पैटर्न लेआउट डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस आर यूज टू स्टीपन द एजेस ऑफ सीट मेटल आर्टिकल्स एंड टू एलुमिनेट एलिमिनेट शार्प एजेस, शार्प एजेस तैयार करने के लिए और बाकी जो मेटेरियल की शेप देने के लिए इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एजेस आर मेड आइदर बाई बेंडिंग और बाई रैपिंग द मेटल, या तो बेंड करके या फिर मेटल को रैप करके हम इसको जो है शेप देते हैं एजेस को। द अमाउंट ऑफ मेटल अलाउड फॉर द एजेस इज कॉल्ड अलाउंस। अब जो हम अमाउंट मेटल को देते हैं एजेस के लिए उसी को हम अलाउंस बोलते हैं, यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा मटेरियल दिया बनाने के लिए कि कहीं कम तो ना रह जाएगा उसी को अलाउंस बोलते हैं। सिंगल हेम, डबल हेम, वायर्ड एजेस, गेज सीट, ये आपके टाइप्स ऑफ एज हैं। अलाउंस जनरली कैप्ट कितना रखते हैं, सिंगल हेम में 6 mm अबव 22 गेजेस सीट के लिए और 8 mm बिलो 22 गेजेस सीट के लिए। डबल हेम के अंदर ट्वाइस द हेम साइज का ट्वाइस लेते हैं 1.6 mm और वायर्ड एज में 2.5 डाया ऑफ वायर अबव 24 g, और ये आपका g का मतलब है गेज से है, 2.5 डाया ऑफ वायर प्लस थिकनेस ऑफ मेटल बिलो 24 गेज सीट। अब इसके लिए ये दिखा रखा है दोस्तों, ये हमारे अलाउंस ऑफ एजेस हैं। अब अलाउंस फॉर सीमिंग, सीमिंग के लिए अलाउंस दिए जाते हैं। सीट मेटल पार्ट्स आर जॉइंट बाय वेरियस टाइप्स ऑफ सीम्स, अलग अलग सीम्स के सहायता से इनको जोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मेटल अलाउड टू सीमिंग इज कॉल्ड अलाउंसेस फॉर सीमिंग। जो एक्स्ट्रा मेटल लेते हैं हम जोड़ते वक्त उसमें, तो उसको हम अलाउंसेस फॉर सीमिंग बोलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द अलाउंसेस फॉर डिफरेंट सीम्स। अभी सीम्स के लिए इसमें बता रखा है कि किसके लिए क्या होता है, तो ग्रुप्ड सीम के लिए क्या होगा, 3 विड्थ ऑफ द लॉक के विड्थ का 3 गुना अबव 24 गेज सीट के लिए, और 3 विड्थ ऑफ लॉक प्लस 5 थिकनेस ऑफ मेटल बिलो 24 गेज सीट के लिए। तो ये अलाउंस ध्यान रखना था दोस्तों। नेक्स्ट होता है अलाउंस फॉर नॉचिंग एंड क्लिपिंग। अब क्लिपिंग और नॉचिज के लिए अलाउंस, ऊपर नॉच दिखा रखा है, नीचे वाले में क्लिपिंग दिखा रखा है। नॉचिज एंड क्लिपिंग आर यूज टू कट अवे दैट पोर्शन ऑफ द मेटल टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग एंड बगलिंग ऑन सीम्स एंड एजेस। मतलब मेटल के ऊपर मेटल जो है ओवरलैप ना कर जाए, उसलिए फालतू मेटल को हम काट देते हैं। जब हम किताब पे जिल्द चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा ऊपर से पेपर चढ़ाते हैं, तो बीच में से उसको साइड से काट देते हैं ताकि जो है वो ओवरलैप ना करें। अब फोर मैथड्स आर कॉमनली यूज फॉर पैटर्न डेवलपमेंट। पैटर्न डेवलपमेंट के लिए 4 मैथड यूज किए जाते हैं, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मैथड, रेडियल लाइन डेवलपमेंट मैथड,
ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट मेथड और आपका जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।